हाँ तो दोस्तों यहाँ पे लार्सन एंड टॉब्रो के Q4 के रिजल्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब L&T के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट्स के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ, मतलब जो भी इसकी सब्सिडरी कंपनीज हैं जिसमें इन्फोटेक टेक्नोलॉजी सर्विसेज और जो L&T फाइनेंस होल्डिंग्स है और उसके अलावा माइंडट्री जो भी L&T का ही है, तो उन सब का मिला के जो प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का निकल कर आया है, यानी कि कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू की बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, यानी कि पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो 35% का ग्रोथ हमको यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है वो है 48,087 करोड़ का। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस यहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी यहाँ पे 38% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बढ़कर 3,660 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 8% का ग्रोथ हमको यहाँ पे रेवेन्यू में देखने को मिला है। और जो नेट प्रॉफिट है वो 11% बढ़कर 3,660 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो अगर आप देखोगे क्वार्टरली बेसिस पर भी यहाँ पर हमको प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर मेन जो पिछले हम बात करेंगे पिछले अक्टूबर से दिसंबर की, तो वहाँ पे कुछ जगह एक्टिविटी के वहाँ पे बंद था, काम नहीं चल रहा था, उसकी वजह से भी हमको यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम ईयरली बेसिस पर बात करेंगे तो वहाँ पे भी 10-11% का नेट प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ अगर हमको देखने को मिल रहा है तो कंपनी यहाँ पे अच्छा काम करती हुई नजर आ रही है। अब इसके बाद अगर हम डिविडेंड की बात करेंगे तो कंपनी ने 18 रुपीज का डिविडेंड यहाँ पे रिकमेंड किया है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पिछले क्वार्टर में भी कंपनी ने 18 रुपीज का इंटरिम डिविडेंड दिया था। तो टोटल अभी देखा जाए तो पिछले दो क्वार्टर्स का मिला के 36 रुपीज डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने दे दिया है। और अभी शेयर प्राइस का लगभग अगर देखा जाए 1300 के लगभग चल रहा है, तो अराउंड देखा जाए 2.5% का यहाँ पे डिविडेंड डील निकल कर आता है। तो यहाँ पे लार्सन एंड टॉब्रो ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड हमेशा अच्छे से दिया है। अब ये देखिए अगर हम ऑल ओवर अगर हम बात करेंगे रिजल्ट अच्छे हैं, रिजल्ट में कोई भी बुरी बात नहीं है। अब ये देखिए 1,94,000 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के पी से आपको अभी भी सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। पता होना चाहिए मार्केट लीडर है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज की और अभी भी ये आपको सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। अब देखिए 1.30% यहाँ पे आपको डिविडेंड दिख रहा है, लेकिन कंपनी ने 36 रुपीज का डिविडेंड अभी दे दिया है पिछले दो क्वार्टर्स का मिला, यानी कि Q4 और Q3। तो यहाँ पे अराउंड 2.5% का डिविडेंड यील्ड अब हो जाएगा। अब ये देखिए अगर आप देखोगे पिछले 4 साल से लगातार ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं दिखाएगा आपको, लेकिन इसमें हर साल ग्रोथ हमको देखने को मिली है। पिछले 4 साल से लगातार यहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ हमको रेवेन्यू में देखने को मिला है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो भी यहाँ पे आपको हर साल बढ़ती हुई नजर आ रही है, और क्वार्टरली बेसिस पर भी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो देखिए एक L&T कंपनी से आपको ऐसी उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि ये आपको 25-30% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देगा। इसमें आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए 10-15%। अगर 15% से ज्यादा ग्रोथ अगर ये दे रहा है तो मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया ग्रोथ ये मानी जाएगी। अब ये देखिए 1415 पे यहाँ पे L&T का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है। अगर आप देखोगे तो पिछले 5 साल के रिटर्न्स पे नजर डालिए 61% के रिटर्न दिए, यानी कि अगर आप टू बी एग्जैक्ट अगर पर ईयर के रिटर्न को देखोगे तो अराउंड 12-13% के रिटर्न यहाँ पे L&T के शेयर ने दिए हैं। तो ये एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का शेयर है, एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है जो हर साल 20-25% का कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं। तो L&T का शेयर उन्हीं शेयर होल्डर्स के लिए है, उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए है जो यहाँ पे कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं, उनको 12-13% का रिटर्न पर ईयर चाहिए, तो वो ही यहां पे L&T के अंदर इन्वेस्ट करें। अगर हम इसके हाई की बात करें तो 1607 का इसका हाई है। तो अगर ये यहां से सिर्फ अगर अपने हाई को भी चला जाता है, यानी कि 200 रुपीज ऊपर भी चला जाता है, तो इस प्राइस पे भी आपको अराउंड 15% के रिटर्न ये देकर चला जाएगा। देखिए मेरे ख्याल से तो जब तक यहाँ पे निफ्टी अगर जब तक यहाँ पे हाई बनाएगा 15,400 का, जब हाई तोड़ने आएगा मेरे ख्याल से तब L&T भी अपने न्यू हाई को टच करेगा, यानी कि 1607 का जो इसका हाई है मेरे ख्याल से तभी आपको आराम से 1600 से 1650 के लेवल पर मिलेगा। तो जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं इन्वेस्टेड रहिए, और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं वो डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करें।
और बात करते हैं शॉर्ट टर्म व्यू की। तो देखिए अभी मार्केट थोड़ा सा देखा जाए तो थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन मोड पे है, और एलएनटी जो कि निफ्टी 50 का पार्ट है, तो निफ्टी 50 जिस डायरेक्शन में जाएगा वहां पे एलएनटी के जाने के चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको एलएनटी के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।